राजनीति सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलती, ना ही समीकरण के बिसात पर आगे बढ़ती है। कई बार इसे छायावादी शब्दों से भी धार दी जाती है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में इसी दाव का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद अखिलेश के भाषण का नंबर आया। वे नए अध्यक्ष को बधाई देते हुए बोल रहे थे, लेकिन हर शब्द का इशारा कहीं और ही था। सिर पर लाल टोपी, गले में गुलाबी गमछा, बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और पीछे की कतार में बैठी हुई मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव। क्योंकि समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो स्पीकर ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद सीधे अखिलेश यादव को बोलने का निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव खड़े हुए, स्पीकर को बधाई शुभकामनाएं दी और सीधे मुद्दे पर आ गए। अपील की, संसद में दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सब की आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। अखिलेश यादव बोल रहे थे और स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर मुस्कान थी। सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, अखिलेश यादव की बातों पर डिंपल यादव भी मुस्कुरा रही थी। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में पूरा जोर इसी बात पर दिया कि सदन में भेदभाव जैसी चीज ना रहे। अखिलेश ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव जब तक बोले, डिंपल की नजरें उन पर ही रहीं। डिंपल कभी गंभीर मुद्रा में दिखी तो कभी हंसते मुस्कुराते। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजनीति सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलती, ना ही समीकरण के बिसात पर आगे बढ़ती है। कई बार इसे छायावादी शब्दों से भी धार दी जाती है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में इसी दाव का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद अखिलेश के भाषण का नंबर आया। वे नए अध्यक्ष को बधाई देते हुए बोल रहे थे, लेकिन हर शब्द का इशारा कहीं और ही था। सिर पर लाल टोपी, गले में गुलाबी गमछा, बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद
और पीछे की कतार में बैठी हुई मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव। क्योंकि समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो स्पीकर ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद सीधे अखिलेश यादव को बोलने का निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव खड़े हुए, स्पीकर को बधाई शुभकामनाएं दी और सीधे मुद्दे पर आ गए। अपील की, संसद में दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा, और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सब की आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। अखिलेश यादव बोल रहे थे और स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर मुस्कान थी। सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, अखिलेश यादव के बातों पर डिंपल यादव भी मुस्कुरा रही थी। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में पूरा जोर इसी बात पर दिया कि सदन में भेदभाव जैसी चीज ना रहे। अखिलेश ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव जब तक बोले, डिंपल की नजरें उन पर ही रहीं। डिंपल कभी गंभीर मुद्रा में दिखी तो कभी हंसते मुस्कुराते। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।